नमस्कार, मैं रंजन सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। बिजनौर में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व में दिनों दिन पर्यटन गुलजार हो रहा है। अमानगढ़ में सफारी की गूंज सात समंदर पार तक जा पहुंची है। शुक्रवार को इंग्लैंड से आए पर्यटकों ने अमानगढ़ में सफारी का लुत्फ़ उठाया। जिले में स्थित अमानगढ़ टाइगर रिजर्व द्वारा पर्यटकों के लिए कुछ ही दिन पहले खोला गया है, तभी से जंगल में सफारी करने वालों का तांता लगा है। तमाम विदेशी पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में एक दल के साथ इंग्लैंड के रहने वाले लुक जॉर्डन डेनियल भी पहुंचे। उनके संग में कनक प्रिया सिंह और समीक्षा सिंह ने भी बुकिंग कराई। जिप्सी से लुक ने अमानगढ़ में सफारी की। लुक ने बताया कि यह अच्छा अनुभव रहा है, प्रकृति को करीब से देखने का मौका मिला है। विदेशी पर्यटक को अपने बीच देख अन्य भारतीय पर्यटक भी उत्साहित नजर आए। आपको बता दें कि यूपी और उत्तराखंड के बॉर्डर पर बिजनौर जिले में अमानगढ़ टाइगर रिजर्व को जंगल सफारी बनाने का प्रस्ताव साल 2012 में तत्कालीन सरकार ने पास किया था, जिसका अमली जामा वर्तमान की योगी सरकार ने पहनाया है। 14 नवंबर को अमानगढ़ में पर्यटन के लिए जंगल सफारी का उद्घाटन किया गया था। बिजनौर एक्सप्रेस के साथ संवाददाता मोहम्मद शुएब। They're scared of the rain, these guys. Hey, it's just bunny. Just bunny. Bunny. Good bunny land. बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।